गुड इवनिंग ऑल वेरी गुड इवनिंग टॉल मेरा आवाज आ रहा है आपको यस वेरी गुड इवनिंग टॉल वेरी गुड इवनिंग कैसे आप सब लोग तो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू सेशन न्यू टॉपिक न्यू लर्निंग एंड इस टॉपिक में हम डिस्कस करें माइक्रोवेल देयर रोल इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोवेल डिस को डिस्कस करेंगे देखिए सबसे फर्स्ट जो भी डिसीजेस हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बैक्टीरियल डिस को डिस्कस करेंगे डिफरेंट फंगल डिसीजेस को हम डिस्कस करेंगे ओके okay? और कैसे चल रहे है आपकी प्रिपरेशन तो देखिए ये आई आई जाम का हमारा रिजल्ट है ये सारे हमारे टॉपर से तो ये आई आई जाम के टॉपर से गेट बी के टॉपर से गेट के टॉपर्स हैं सी ओ टी पी के टॉपर से तो आप भी इनमें से एक बन सकते हैं ऐसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें ऐसे ही टॉपिक्स का लर्निंग कीजिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कीजिए टारगेट कीजिए एग्जाम को एग्जाम्स फोकस करके एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको देखिए और उसी का प्रिपरेशन कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही ज्यादा प्रिपेयर कीजिए और क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कीजिए आज हम डिस्कस करेंगे आज का न्यू सेशन जिसमें हम डिस्कस करें डिस वॉट इज मतलब जो पैथोजेनेसिस होती है पैथोजेनेसिस क्या होती है एंड पैथोजेनेसिस में मेजर रोल क्या होता है दूसरा डिस कौन से कौन से टाइप्स के होते हैं अब देखो जैसे हम अगर देखें कि डिसज मतलब क्या अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन बॉडी विथ स्पेसिफिक कॉज और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम स्पेसिफिक प्रोसेस मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस इन द बॉडी बॉडी में जो पर्टिकुलर प्रोसेस है विथ स्पेसिफिक कॉज और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसमें स्पेसिफिक कॉज हो सकता है ऑर्गन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग आराध्या खुशी वेरी गुड इवनिंग सचिन learn, और बिपिन वेरी गुड इवनिंग यश सुबर्ता वेरी गुड इवनिंग अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज मतलब क्या तो डिस मतलब क्या यस तो डिस मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस इन बॉडी विथ स्पेसिफिक कॉज और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टोम कि कोई कॉज हो रहा है कोई सिम्टोम आ रहा है और वो सिम्टोम तभी आ सकता है जब कोई इन्फेक्शन हो तो इसे हम डिसीज बोलते बट जनरली आपने देखा होगा कि देर आर सम सिंड्रोम्स कि कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो हम देखते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है जैसे टर्नर्स है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है तो सिंड्रोम नंबर ऑफ सिम्टोम्स ऑकरिंग टूगेदर एंड कैरे द स्पेसिफिक डिसीज बहुत सारे सिम्टोम अगर आए और कैरेक्टराइजिंग okay, तो okay. अगर डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर मतलब इरेग्यूलिटी डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन अगर इंटरप्ट होता है तो इंटरप्शन के बाद वहां पर जो डिस कॉज होता है उसको डिसऑर्डर बोलते हैं ओके okay? मतलब इरेगुलेटरी इरेगुलेटरी डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन इंटरप्ट हुआ तो इसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं जनरली सिंड्रोम्स हम बड़े लेवल पे देखते हैं जेनेटिकली जिसमें क्रोमोजोम अगर कम हो गया क्रोमोजोम ज्यादा हुआ जैसे डाउन सिंड्रोम ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हुआ तो हम डाउन सिंड्रोम देखते हैं ओके okay? या जनरली हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम ये तब होते हैं जब कोई क्रोमोजोम लेवल पे कोई बहुत बड़ा अफेक्ट हो डिस मतलब डिसीज एक छोटा सा मतलब हम बोलते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स अगर एंटर हो उस उसका जो ग्रोथ होता है उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो अफेक्ट करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन को एंड उस वजह से अगर हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम डिसीज बोलते हैं ओके एंड इन्फेक्शन मतलब द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन बॉडी जर्म्स मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे बॉडी में जाते और उसके वजह से अगर हमें कोई सिम्टम्स आ जाते तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते तो इन्फेक्शन इट मे बी आप बोलोगे हाँ इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो सकता है होता है क्या इन्फेक्शन पैरासाइट्स का होता है क्या इन्फेक्शन फंगस का होता है क्या इन्फेक्शन वायरसेस का होता है तो ये सारे जो इन्फेक्शंस है ये इन्फेक्शंस मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाए बाहर से एंटर हो तो ये कोई आउटर एजेंट है कि जो बाहर से एंटर होता है बॉडी में एंड उस वजह से हमें कोई सिम्टम्स आते हैं ऑर्गन के फंक्शन अफेक्ट होते ऑर्गन्स में डैमेज हो जाता है टिश्यूज़ में फेल्यर होता है ऑर्गन सिस्टम फेल्यर हो सकती है दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन एंड उसके वजह से जो हमें सिम्टम्स आते हैं उसको डिसीज बोलते हैं तो डेथ इज द कि जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टोम्स आते हैं इसे हम डिसीज बोलते हैं तो दो चीजें एक होता है इन्फेक्शन और उसके बाद आता है डिसीज तो देखो जनरली ये देखा जाता है कि अगर आपके बॉडी में इंफेक्शन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसीज हो गया इन्फेक्शन मतलब जब भी कोई एजेंट आपके बॉडी में एंटर हो बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट एंड वो आपके बॉडी में एंटर हुआ है वो आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं इन्फेक्शन में अगर वो बैक्टीरिया फिर भी आपके बॉडी में ग्रो हो रहा है फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होते 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 वो बढ़ना स्टार्ट हो गया उसका काउंट बढ़ा प्लस काउंट बढ़ते बढ़ते उसने अपने ऑर्गन्स को डिसफंक्शन किया कुछ ऑर्गन्स के फंक्शन अफेक्ट हुए हमें कुछ सिम्टम्स आने लगे जो एबनॉर्मल हो तब आप बोलोगे यस अब नाउ दिस इज द डिसीज ओके तो इन्फेक्शन कभी कभी इंफेक्शन से हम बोलते कि इंफेक्शन की आगे की जो स्टेज होती है इसे डिसीज बोलते ओके okay? एंट्री उसको इंफेक्शन बोलेंगे एंड उसके बाद जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा उसका ग्रोथ होगा वो आगे जाके ऑर्गन के फंक्शन को अपेक्ट करेगा तो उसको डिसीज बोलेंगे नाउ क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट इज द पैथोजिन पैथोजेन कौन होता है एंड व्हाट इज पैथोजेनेसिस तो देखो पैथोजेनेसिस मतलब पैथोजेन मतलब एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें अगर एबिलिटी है कि यस वो डिसीज कॉज कर सकता है तो इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस मतलब एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिसीज ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी डिसीज कॉज करने की उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं एंड जो ऑर्गेनिज्म जिसमें एबिलिटी है कि वो डिसीज कॉज कर सकता है इसको पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं अभी ये नहीं है कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं वो सारे पैथोजेनिक हो कि मतलब सभी ऑर्गेनिज्म क्योंकि हम नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एजेंट होते कि जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं। वो जो एजेंट्स होते इनको जनरली ये जो एजेंट है वो वायर वेरियस डिफरेंट टाइप्स के होते जैसे कुछ बैक्टरियाज होते कुछ वायरसेस होते कुछ पैरासाइट्स होते एयर पार्टिकल्स होते पोल्स होते बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होते फूड्स होते जो डिफरेंट ओरिजिन से होते तो फूड से एयर से वाटर से या केमिकल से ड्रग्स से मेडिसिन से बहुत सारे एजेंट हमारे बॉडी में एंटर होते रहते बट सभी हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं होते क्योंकि सभी में वो एबिलिटी नहीं होती कि जिससे वो डिसीज कॉज करे इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स एंटर हो सकते बट सारे में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिसीज कॉज करे बस कुछ ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हमें डिसीज होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म एंटर भी होते तो भी जल्दी इलिमिनेट हो जाते क्योंकि हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम काम करता है जिसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं एंड अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो हम वहां पे देखते कि वहां पे हम फिर भी पे कोई भी हमें अफेक्ट नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम तो इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इलिमिनेट होते ओके एक मिनट यहाँ पे माइक्रोबेल माइक्रोबियल डिस तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जनरली सम ऑर्गेनिजम्स दे आर पैथोजेनिक एंड और सम ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन पैथोजेनिक तो मिक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे बॉडी में आते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो हमारे नेचुरल नॉर्मल फ्लोरा है जो आपको कोलॉन जो इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन में जो कोलॉन है वहाँ पे नेचुरल जो नेचुरल फ्लोरा नॉर्मल फ्लोरा करके ई कोलाई काम करता है हमारे सर्फेस जो है हैंड है फीट है सारे बॉडी के सर्फेस पे एक नॉर्मल फ्लोरा काम करता है जो कि हमारा नॉर्मल रेसिडेंट फ्लोरा है वो हमेशा आता जाता रहता है वो हमेशा इलिमिनेट भी होता है और फिर से नया भी आता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में हम ऐसे भी हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारा नेचुरल फ्लोरा भी है बट फिर भी सम ऑर्गेनिजम्स दे आर पैथोजेनिक एंड सम आर नॉट ओके इसलिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो कंटिन्यूसली हमें बचाती रहती है ऐसे फॉरेन एजेंट से जो पैथोजेनिक हो बट फिर भी कभी कभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी रेजिस्टेंस होते हैं उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज हो सकते जिससे कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को फंसा के उनको मतलब एवॉइड करके अपनी खुद की ग्रोथ कराते और उस वजह से हमें डिसीज होता है तो ऐसे भी पैथोजेंस हैं कि जो इम्यून सिस्टम को रेजिस्ट करते उस वजह से हमें डिसीज होता है तो आर पैथोजेनिक सम आर नॉन पैथोजेनिक ओके अब देखो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज इज कॉल्ड एज पैथोजेनिक माइक्रोजम्स एंड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय देम दे कैन कॉज सीरियस डिसीजेस रिस्क टू पीपल एंड एनिमल्स थ्रीटिंग द हेल्प एंड लाइफ अब ये डिपेंड करता है सिचुएशंस सिचुएशन कि ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा पैथोजेनिक है ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोलते हैं वायरुलेंस एंड वायरोलेंस की जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई पैथोजन ज़्यादा वायरुलेंट होता है और कोई पैथोजन कम वायरुलेंट होता है एंड बाकी के तो नॉन पैथोजेनिक होते जो ज्यादा वायरुलेंट होता है वो सबसे फास्ट इन्फेक्शन प्लस डिसीज कॉज करता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म फास्ट एंटर होता है फास्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज कॉज करता है एंड फास्ट उसके सिम्टम्स आते हैं तो उसको बोलेंगे हाई वायरुलेंट मतलब स्ट्रोंग वायरुलेंट वो फास्ट डिसीज कॉज कर रहे है। जो कम वायरुलेंट होगा तो वायरुलेंट मतलब डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंफेक्शन इंफेक्शन की डिग्री कितनी है क्या वो फास्ट डिसीज कॉज कर रहा है क्या वो स्लो डिसीज कॉज कर रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म देखो बहुत फास्ट डिसीज हैं जैसे आप अभी देखा है हमने कोरोना वायरस कोरोना वायरस वायरुलेंट है वो जैसे ही एंटर होता है फास्ट सिम्टोम जनरेट कर देता है फास्ट डिसीज कॉज करने की उसकी एबिलिटी इसलिए कोरोना को हम बोलते हैं कि वो वायरुलेंट जो है वो हाई वायरुलेंट है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत टाइम लगता है इन्फेक्शन डिसीज कॉज करने में जैसे ट्यूबर क्लोसिस आप लोग ट्यूबर क्लोसिस को बहुत टाइम लगता है तीन से चार वीक हम बोलते हैं कि तीन से चार वीक के बाद की जो खांसी हो सकती है इट मे बी ट्यूबर कलॉसिस मतलब फोर टू फोर टू फाइव वीक इट रिक्वायर्ड फॉर इट्स टू एपियर एंड इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो कम वायर हाँ वो भी पैथोजे बट डिज कॉज करने की हम बोलते क्या है कि कुछ है, कुछ है. Okay? ये कुछ बैक्टेरिया फास्ट डिसीज कॉज करते हैं कुछ बैक्टेरिया स्लो डिसीज कॉज करते समझ में यस नाउ अब देखिए जनरली अगर हम माइक्रोबियल डिसीजेस को देखें तो माइक्रोबियल डिसीजेस को हम देख रहे बाय वन बाय वन तो देखिए सबसे पहले कोलेरा डिसीज वजह से होता है ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो शेप्ड होते एंड दे आर सीवियर डायरिया कॉज करते जिसे हम कोलेरा डिसीज भी बोलते हैं जो डायरिया होता है इरिटेशन ऑफ स्किन अराउंड एनस वेरी वॉटरी स्टूल वोमिटिंग एंड मस्कुलर क्रैम्प एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी तो ये कोलेरा है बट आपको बस इतना याद रखना है ऑर्गेनिज्म एंड और डिसीज़ कौन सा कॉज होता है बस इतना याद रखो ऑर्गेनिज्म डिसीज और कौन सा कॉज होता है तो so, विब्रियो कोलरी कोलरा डिसीज कॉज करता है बस इतना याद रखना है ई e कोलाई का इन्फेक्शन ई कोलाय रॉड शेप होते हैं एंड ये एबनॉर्मल एबडोमल क्रैम्पिंग सडन सेवरे वॉटरी डायरिया दैट मे चेंज टू बॉडी स्टूल गैस एंड फीवर फटिक फीवर कभी कभी हो सकता है तो ई कोलाई की वजह से भी डिसीज हो सकता है ये अपॉर्चुनिटिक पैथोजेंस में भी आता है ई e कोलाई क्योंकि जनरली वो नॉर्मल हमारे कोलोन में प्रेजेंट होता है और कोलॉन में वो विटामिन का सोर्स होता है हमें एंड विटामिन प्रोड्यूस करता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है ई e कोलाई क्योंकि वो विटामिन देता है हमें बट प्रॉब्लम क्या होता है अगर वो कोलॉन में रहता है तो हमारे लिए अच्छा है तब वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है हमें भी उसका फायदा होता है और उसको भी हमारा फायदा होता है क्योंकि हमारे कोलोन में वो इंटेस्टाइन से न्यूट्रेंट ऐप करता है शेल्टर लेता है फूड लेता है एंड वहाँ पे वो मज़े में रहता है तब कोलोन में जब तक रहता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर ये इकोलाई e. गलती से भी दूसरी जगह पे जाए मतलब विदाउट वीज़ा विदाउट पासपोर्ट ये किडनी में चला जाए और किडनी में अगर वो वहाँ पे चला जाए तो वो यूरिनरी ट्रैक के इंफेक्शन कॉज करता है तो यही अगर ई e. इकोलाई दूसरे जगह पे जाता है तो अपॉर्चुनिटिक पैथोजन करके काम करता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी इंफेक्शन जो होते हैं वो कॉज कर सकता है देन डिसेंट्री डिसेंट्री ये सीगेलर डिसेंट्री से होता है एंड सीगेलर डिसेंट्री रॉड शेप्ड है एंड ये भी वाटरी डायरिया इनिशियली दैट में इवोल्ड तू कंटेन म्यूकस एंड ब्लड, देन ये डिसेंट्री कॉस करता है सिगेला डिसेंट, टाइफाइड प्योर तो आपको पता ही है, टाइफाइड मतलब सा, साल्मोनेल्ला टाइफी, ये साल्मोनेल्ला टाइफी, साल्मोनेल्ला प्यारा टाइफी, ये ऑर्गेनाइज़ेम है, रोड शेप्ड है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन प्यो

एंड अगर लंग लंग्स में इन्फेक्शन किया तो इसका मतलब है वहां पे लंग्स के माइक्रोफाजिस को इन्फेक्ट करता है माइक्रोबैक्टेम ट्यूबरकोसिस एंड अगर लंग्स में माइक्रोफाजिस को इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे ट्यूबरकल लीजन्स सिम्टम्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं ट्यूबरकल लीजन जैसे एंड ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाते मतलब ये ऐसे लीजन्स uh, होते ट्यूबरकुलोसिस के जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स में देखने को मिलते हैं ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये कॉज होता है माइक्रोबैक्ट्रियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ओके okay? तो ये है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देन ये कुछ ऑर्गेनिज्म है बस आपको क्या करना है लिस्ट बनानी है ऑर्गेनिज्म डिजीज बस इसकी लिस्ट बना के रखो देन नेक्स्ट अब पर्ट्यूसिस. पर्ट्यूसिस, तो आपको पता ही होगा पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी बोलते हैं बॉर्डेटेला पर मतलब कंटिन्यूस खासी आती है यह बॉर्डेटेला से होता है एंड बॉर्डेटेला में आप देखते हो अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड कफ स्नीजिंग रनिंग नोज लेट सिम्टम्स इंक्लूड एवर हैकिंग कफ फॉलोड बाय हाई इनटेक ऑफ ब्रेथ तो ये बॉर्डेटेला से होता है पर दूसरा यहाँ पे गोनोरिया गोनोरिया जो है वो नेसेरिया गोनोरी यह ऑर्गेनिज्म से होता है ग्रुप ऑफ टू कोकाय इसे डिप्लो कोकाय बोलते हैं नेसेरिया गोनोरी जो होते हैं वो डिप्लो कोकाय एंड डिप्लो कोकाय बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग लीड्स टू द स्टरिलिटी ये नेसेरिया गोनोरी से होता है गोनोरिया टिटेनस टिटेनस ये तो हम बहुत बार जानते हैं क्योंकि टिटेनस से हम डरते भी हैं करेक्ट तो टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनस से होता है रॉड शेप वाउंड जहां पर जख्म होती है तो जख्म में इसका इंफेक्शन होता है वाउंड में इंफेक्शन होता है टिटेनस का एंड यह क्लास्ट्रेडियम टिटेनिस से होता है एंड पेनफुल स्टिपनेस ऑफ द नेक लॉक जो हम बोलते हैं एंड डिफिकल्टी इन स्वयं तो ये सॉल्विंग में डिफिकल्टी आती है इसे टिटेनी बोलते हैं क्लास्ट्रेडियम टिटेनी उसके बाद डिप्टेरिया डिप्टेरिया ये जो है कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्टेरी से होता है और कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्टेरी रॉड शेप है एंड ये मेजरली क्या करता है कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्टेरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस कॉज करता है हैविंग सोर थ्रोट एंड लेयर ऑन द टॉन्सिल्स तो ये डिप्टेरिया कॉज करता है कॉर्नी बैक्टेरियम डिप्टेरी उसके बाद आता है मेनजाइटिटिस और नेसेरिया ये मेनिनजाइटिस कॉज करता है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस बोलते हैं और नेसरे मेनजाइटिस क्या करता है ग्रुप ऑफ टू कोका डिप्लोकोका बोलते हैं हेड एक एंड नेक स्टिफनेस एसोसिएटेड विथ फीवर तो इसे बोलते हैं एंड इम्पेटिगो इमेटिगो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी की वजह से कॉज होता है तो ये डिफरेंट डिसीजेस जो कॉज हो रहे हैं बैक्टेरिया की वजह से तो दीज आर द बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन है जीन्स की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट बस इसकी लिस्ट बना के रखना आपा, एंड ऑर्गेनिज्म इसकी लिस्ट बना के रखना आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा आगे का तो मैंने आपको एक्स्ट्रा लाया है ताकि आपको पता हो कौन से डिसीज में क्या होता है नेक्स्ट सिगेलोसिस सिगेलॉसिस तो जो है सिगल लॉसिस में यहां पे आता है सीगेला स्पेसिस अब देखिए जो सीगेला स्पेसिस है ये इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करता है ट्रांसमिशन जो होता है फूड वाटर से होता है कंटेमिनेटेड बाय फीसिस फिकल ओरल रूट से ट्रांसफर होता है सीगे लॉसिस एबडोमिनल पेन होता है डिहाइड्रेशन होता है ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल तो सीगे लॉसिस दिस इज द दैसिलर डिसेंट्री बोलते हैं एंड बेसिलर डिसेंट्री सीगेला की वजह से होती है देन बुबोनिक प्लेग बुबोनिक प्लेग ये ब्लैक डेथ इसको बोलते हैं एंड दिस इज कॉज ड्यू टू दर्सिनिया तो ये एर्सिनिया पेस्टिस है जो बुबोनिक प्लेग कॉज करता है लिम्फ नोड में इंफेक्शन होता है एंड रेड फ्लिया वेक्टर जो होता है रेड का फ्लिया वेक्टर उससे ट्रांसफर होता है ड एक एंड स्वेलन लिम्प नोड स्वेलन होते तो में इन्फेक्शन होता है प्लेग बोलते हैं देखो लिम्प नोड तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गनिजम है नोड सॉरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है एंड लिम्पनोड सेकेंडरी लिंफोड ऑर्गन भी है एंड इसलिए लिंपनोड कोई इन्फेक्शन हुआ तो कैसे इम्यून सिस्टम काम करेगी जैसे हम बोलते कि

ये नेसल, पैसेज, होता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन का फीवर सोर थ्रोट होता है जो डिप्टिया में हम देखते हैं हमने देखा कॉलरी, विब्रियो कॉलरी जो कॉलेरा इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये कुछ डिसीजेस है ये भी आप याद रखना ओके उसके बाद टिटेनस हमने डिस्कस किया है क्लोसिडियम है टाइफॉइड हमने डिस्कस किया है सालमोन टाइपी निमोनिया निमोनिया याद रखिए निमोनिया निमोनिस से होता है लंग्स ड्रॉपलेट इंफेक्शन है एंड फीवर एंड कफ जो है कॉज होता है उसके बाद कॉमन कोल्ड अब देखिए वायरसेस के जो डिस है वायरसेस जिनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड दिस इज कॉज ड्यू टू द रिनो वायरसेस कॉमन कोड कैसे होता है रिनो वायरस की वजह से होता है एंड ये रिनो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर रहा है कंटिनली रनि नोज होते हैं एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है मतलब जो एर एरोजोल्स होते हैं ड्रॉपलेट्स उससे ट्रांसफर होता है नेसल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज सोर थ्रॉट कफ एंड हेड कफ हेड होता है रनि नोज होते हैं कंटिन्यूसली एंड ये तो हमें बार बार होता रहता है ना जब भी कभी एनवायरमेंट चेंज हो तो आप बोलते हो कोल्ड हो गया कोल्ड हो गया तो रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो रीनो वायरसेस होते हैं जो कॉमन कॉल्ड कॉज़ करते हैं दूसरे मम्स मम्स ये मम्स वायरसेस की वजह से होता है मम्स वायरस आर एन है जिसमें पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड में इंफेक्शन होता है एंड सलाइवा एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है मम्स का एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स पैरोटिड ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होता है मम्स में ओके okay? तो मम्स ये मम्स वायरस की वजह से कॉज होता है मिसल्स मिसल्स ये रूबेला वायरस की वजह से कॉज होता है मिसल्स मम्स मिसल्स ओके ये रूबेला वायरस की वजह से होता है हाँ चलेगी चलेगी शायद करेक्ट चलेगी डीबीटी की क्लासेस भी चलेगी सिमरन और आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो ना डीबीटी का डीबीटी का प्रिपरेशन करो अच्छे से क्योंकि डी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अभी दो महीने बीस अप्रैल को एग्जाम है अगर आप आज के डेट से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो ना तो डी आप क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि पहले सेक्शन में पचास क्वेश्चन आएंगे जो पचास के पचास सॉल्व करने दूसरे सेक्शन में वन फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे उसमें से सिर्फ फिफ्टी सॉल्व करने अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लिमिटेड स्टूडेंट को जेआर दी जाती है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओके क्योंकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है इसलिए सिमरन खुशी सारे लोग आप डीबीटी को कंसंट्रेट करो डीबीटी को अच्छे से प्रिपेयर करो डीबीटी आपका क्वालिफाई जरूर हो जाएगा और डीबीटी में यही तो पूछा जाता है और गैट बी है हाँ करेक्ट हाँ सुबरते गैट बीबी है अपना डीबीटी के साथ तो गैट बी का भी प्रिपरेशन करना आप देखो क्या होता है कि आप अगर प्रिपरेशन करोगे ना तो आपके अलावा किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं है क्योंकि बाकी कोई पढ़ने वाला नहीं है पढ़ाई तो आप लोग ही कर रहे हो तो जो पढ़ाई करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा यह तो फिक्स है यस उसके बाद जो मिसल्स हाँ 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 शिखा मैं इमोशन बैच में आऊँगा आगे तब हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक ओके अभी आप इमोशन बैच में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के या बाकी टॉपिक्स के उनके नोट्स को कंपाइल कीजिए उनका रिविजन कीजिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन से ही टॉपिक कवर होते हैं और कंप्लीट टॉपिक तभी समझ में आता है जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ओके यस yes, हाँ फुल ऑन जोश में रहना है सिमरन और हमेशा याद रखना है जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा यह हमेशा याद रखना है और पहली चीज मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोली है सबके लिए बोलता हूं आज भी देखो जो चीज आती है उसको लर्न करना है और जो चीज नहीं आती है उसको सीख के आगे जाना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जे या हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो गैडबी का एग्जाम क्वालिफाई होना हमारे लिए इंपॉर्टें डीबीटी का एग्जाम क्वालिफा होना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होना है ये हमारा टारगेट होना चाहिए यस yes. तो मिसल्स देखो रूबेला वायरस की वजह से होता है यस yes. तो वायरस जिसके वजह से मिसल्स होता है जो आर एन एस टैरोस वायरस स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं एंड ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन कॉज करते हैं मिसल्स मतलब एंड उसके बाद वायरल हिपेटिटिस वायरल हिपेटिटिस हिपेटिटिस बी वायरस की वजह से होता है लीवर में इंफेक्शन होता है एंड ये पैरेंटल रूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इंफेक्शन होता है लीवर डैमेज होता है जॉन्डिस होता है नॉसिया होता है येलोइश आइज होते फीवर होता है तो ये सारे वायरल हिपेटिटिस के पॉइंट हैं ओके तो बस आप ऑर्गेनिजम कॉजिटिव एजेंट एंड उसका डिसीज याद रखना देन नेक्स्ट नेक्स्ट वायरस डिसीज़ जो है वो चिकन पॉक्स यस। तो चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स तो सबको होता है हम तो कितने डरते हैं चिकन पॉक्स होने के बाद चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स वेरेसेला जूस्टर वायरस से होता है डीएनए वायरस है वेरेसेला जूस्टर वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक स्किन एंड नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट से होता है चिकन पॉक्स एंड माइल्ड फीवर विथ ईच स्किन रैश एंड ब्रिस्टर्स तो चिकन पॉक्स होने के बाद पूरा लाल हो जाता है शरीर पूरे ऐसे 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 रेड स्पॉट आ जाते पूरे रेड स्पॉट आने के बाद हम डर जाते हैं कि हमको क्या हो गया ऐसा एक दो दिन में तो पूरे शरीर के ऊपर रेड स्पॉट आते और उसके बाद वो रेड स्पॉट हो जाएंगे ब्लैक तब तो बाहर भी नहीं निकल सकते घर से क्योंकि ऐसा लगेगा पूरा कौन आया है ब्लैक स्पॉट सारे पूरे शरीर पे ब्लैक स्पॉट पूरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट हम डर डर जाते छोटे थे तब तो स्कूल भी नहीं जाते थे क्योंकि ब्लैक स्पॉट सब लोग हंसेंगे सारे लोग मजाक उड़ाएंगे <laughs> लोगों को हंसने में मजा आता है हमको तो चिकन पॉक्स हुआ है हम पहले से परेशान तो चिकन पॉक्स तो ये गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग <laughs> दूसरा सारे लोग मुंह भी बांध के स्कूल में एक तो जाने नहीं जाते नहीं है तो चिकन पॉक्स वेरेसला जूस्टर वायरस से होता है तो वैरेसला जूस्टर वायरस डीएनए वायरस से होता है उसके बाद पोलियो माइलेटिस पोलियो मायलिटिस में हम देखते हैं कि पोलियो मायलिटिस में पोलियो वायरस जो आर एन ए वायरसेस है पोलियो वायरस के वजह से आता है दो बूंद जिंदगी के ये तो हमें पता ही है पोलियो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि पोलियो के बहुत सारे डोज लिए हमने ओके दो बूंद दो बूंद करके हमने कितने पिए पोलियो के डोसेस पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरसेस जो इंटेस्टाइन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉपलेट इंफेक्शन होता है थ्रू फिकल ओरल रूट ओके एंड दिस इज फीवर मस्कुलर स्टिपनेस होता है वीकनेस पैरालिसिस पैरालिसिस होता है रेस्पिरेटरी फेलियर होता है पोलियो वायरस से तो so, पोलियो के अगेंस्ट जो वैक्सीन लेते हैं उस वैक्सीन का नाम क्या है ये yes. हा आई फ्लू अरे सिमरन आई फ्लू आप तो बहुत अच्छे थे कि आप आई फ्लू होने के बाद ही लगा के चाहते थे हमारे यहाँ पे तो ऐसे लोग थे कि जो बिना आई फ्लू हुए भी गॉगल लेके पहनते थे और ऐसे ही गोगल पहन के आते थे स्कूल में बोलते थे आई फ्लू हुआ है दूर रहना मतलब नहीं हुआ तो भी पहनते थे सो पोलियोलेटिस तो पोलियो वायरस की वजह से होता है जो आरएनए वायरस है तो डेंगू डेंगू फीवर डेंगू फीवर ये ब्लैक ब्रेक बोन फीवर है और जो ब्रेक बोन फीवर है डेंगू वायरस ऑफ फ्लेवी वायरस ये फ्लेवी वायरस बोलते हैं इसको डेंगू वायरस स्किन एंड ब्लड मस्कीटो वेक्टर है एडिस इजिप्ती, तो ये मस्किटो वेक्टर है एडिस इजिप्टी एंड ये जो डेंगू वायरस है यहां पे सीवियर फ्लू लाइक इलनेस होता है विथ सडन ऑनसेट ऑफ फीवर फीवर आता है डेंगू का यस yes. देन ये डेंगू फीवर है उसके बाद चिकुनगुनिया ये चिक्कुनगुनिया अल्फा वायरस की वजह से होता है चिकुनगुनिया तो चिकुनगुनिया अल्फा वायरस की वजह से होता है इसको टोगा वायरस भी बोलते हैं नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है एडिस एजिप्टी जो मस्कीटो है उससे फैलता है एंड फीवर एंड जॉइंट पेन होता है हेड होता है जॉइंट स्वेलिंग होता है तो ये चिकुनगुनिया सो दिस इज द चिकुनगुनिया कि जो अल्फ़ा वायरस की वजह से होता है टोगा वायरस की वजह से नर्वस सिस्टम मस्किटो जो वेक्टर है एडिस एजिप्टी है उसके बाद नेक्स्ट अब ये पैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स की डिसीज़ यस हा जो पीडीएफ होते है वो आपको ऐप में मिलेंगे आई एफ एस ऐप पे ओके अब देखो अब हम पैरासाइट्स की डिसीज देखते प्रोटोजो पैरासाइट्स ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी में लास्ट लेक्चर में प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो होता है फीमेल मस्किटो से होता है फीमेल एनाफ्लस मस्किटो स्टेज दैट इन्फेक्ट ह्यूमन मतलब स्पोरोजॉइट स्टेज होती है कि जो इन्फेक्ट होती है जब भी हमें फीमेल एनोफ्लस आके काट लेती है हम रात को जैसे जाते हैं ना घर पे तो मच्छर इधर उधर आते रहते अगर गलती से उसमें फीमेल एनाफिलस मस्कीटो होगी तो वो जब हमारा खून पी जाती है खून तो पी जाती है बट खून पीते पीते गिफ्ट भी छोड़ जाती है और वो गिफ्ट होता है स्पोरोजाइट एंड यह स्पोरोजॉइट जो होता है वो स्पोरोजॉइट जैसे हमारे ब्लड में एंटर होता है तो विद इन हाफ एन आवर वो लीवर में चला जाता है फास्टली और लीवर में जाके वहाँ पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है म्यूरोजॉइट्स में कन्वर्जन तो स्पोरोजॉइट स्टेज आगे जाके म्यूरोजॉइट्स बनाएगी और म्यूरोजाइट्स आगे जाके फिर आरबीसीस का इंफेक्शन करेंगे तो ये ट्रोपोजाइट्स एंड म्यूरोजाइट्स इन रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन में कौन से स्टेजेस होते हैं ट्रोपोजाइट्स एंड म्यूरोजाइट्स इन रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स में इनके स्टेजेस होते हैं एंड उसके बाद मस्किटो इंजेस्ट गैमेटोसाइट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट वू काइनेट्स एंड स्पोरोजाइट्स जब कभी भी फिर से क्योंकि ये जो म्यूरोजॉइड से आगे जाके गैमेट फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोसाइड्स मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट ये दूसरी मस्किटो आएगी उन गैमेटोसाइट्स को सक करेगी ब्लड से उसके फिर बॉडी में मतलब मस्किटो के बॉडी में मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूज होंगे जायगोट बनेगा कि जो ऊ काट फॉर्मेशन होंगे एंड वो कायनेट से ऊ सी बनेंगे एंड वो ऊ सीड्स और सारे स्पोरोजॉइट बनाएंगे और स्पोरोजाइड फिर से में आएंगे और सलाइवा से किसी और पर्सन के ऊपर ट्रांसमिट होंगे तो इसलिए मस्किटो में हम देखते हैं मलेरिया की साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में चलती है सेक्सुअल साइकिल इन मस्किटो एंड असेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन ओके तो इसलिए दोनों में से एक साइकिल ब्रेक होना बहुत जरूरी है जैसे अगर एक साइकिल हुई नहीं तो कंप्लीट साइकिल हो ही नहीं सकती इसलिए हम बोलते हैं कि मस्किटो को जो है वो हटाओ मस्किटो अगर नहीं रहेंगे तो फिर इन्फेक्शन मलेरिया का नहीं स्प्रेड होगा ओके तो ये वाटर जो होता है वाटर में ये एग रिलीज करते तो वाटर ही नहीं होगा घर के आसपास कोई एक्स्ट्रा जो मतलब टायर में पड़ा हुआ वाटर एक्सेस वाटर जो पाइपलाइन का वाटर हो या जो भी मतलब कूलर का वाटर हो ऐसा बहुत दिनों से पड़ा हुआ वाटर है उनमें ऐसे चांसेस होते कि ये मस्किटो जो है वो एक्स रिलीज करें और वहां पे वो प्रेजेंट हो ओके तो प्लाज्मोडियम जो है वो फीमेल मॉस्किटो एनाप्लस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है देन टॉक्सो प्लाज्मा जो टॉक्सो प्लाज्मा वेक्टर नहीं है टिश्यू सिस्ट है शुडोसिस्ट हम बोलते हैं रैपिडली मल्टीप्लाई ट्रोपोजाइट्स होते हैं एंड कैट इंजेस्ट सिस्ट तो ये बस इसको याद रखना टॉक्सो प्लाज्मा के देन न्यूमोसिस्टिस न्यूमोसिस्टिस जो है ये भी जनरली हम ये देखते हैं यस yes. करेक्शन uh, के लिए फॉर्म आ जाता है करेक्शन में फॉर्म आता है तब आप करेक्ट कर लेना कोई बात नहीं है ये तो करेक्शन में हो जाएगा आप टेंशन मत लेना इसका करेक्शन के लिए फॉर्म आते हैं तब आपका हो जाएगा क्लियर क्रूजी ट्रिपेनोजोमा क्रूजी ये बर्स से ट्रांसमिट होता है ट्रिपेनोजोमा एंड ये जनरली ट्रिपेनोजोमा जो है वो मेजर रोल प्ले करता है मतलब जो बर्स होते हैं उसके वजह से ट्रिपेनोजोमा क्रूजी ट्रांसमिट होता है एंड ये ट्रांसमिट होने के बाद इट कॉज एम एस गोड्स इन कार्डेक मसल्स एंड न्यूरॉन्स। देन ट्रिपेनोजोमा ये तो ट्रिपेनोजोमा गैम्बनीज़ ट्रिपेनोजोमा रोडे गैम्बनी ये मेजर रोल प्ले करते हैं ये टेस्टिस फ्लाई टेस्टिस फ्लाई से ट्रांसमिट होता है ट्रिपेनोजोमा गैमिज एंड ये जो ट्रिपेनोजोमा गैमीज है यह क्या करता है आगे जाके स्लीपिंग सीकनेस कॉज करता है एफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो

तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एंड इन ऑर्गेनिज्म के वेक्टर्स को याद रखना क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में एंड हर बार मैच द पेयर्स का क्वेश्चन आता है इस बार भी आया था पिछली बार भी आया था मैच द के क्वेश्चन में पॉजिटिव एजेंट एंड उसके रोल पूछे जाते हैं तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो अपने नोटबुक में बस इसको मेंशन करके रखना देन देन फंगस के जो डिसीजेस है तो फंगस इसमें हमारे जो फंगस के डिसीजे देखो लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्लांट डिसीज कॉज बाय फंगस तो प्लांट डिसीज कौन से कौन से वो देखते हैं क्योंकि प्लांट डिसीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्लब रूट ऑफ क्रूसीपर्स तो क्लब रूट ऑफ क्रूसीपर्स जो है वो इस पैथोजन से होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रैसिकी वाट डिसीज ऑफ पोटेटो सिन किट्रियम एंडोबायोटिकम से होता है स्टेम रूट ऑफ पपया तो फाइलियम स्पेसिस से होता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स एंड डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग पाइथेलियम से होता है देन डाउनी मिडोप्यूट्स ये सारे जो डिसीजेस है रस्ट याद रखना रस्ट वाई रस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो रस्ट ऑफ वीट पिक्सिनिया ग्रैमिनी से होता है रस्ट ऑफ पी यूरोमाइसिस से होता है रस्ट ऑफ ग्राम यूरोमाइसिस सेरिसिस से होता है रस्ट ऑफ लिंसिड मिलेनोपोरा लाइनी से होता है देन बुजरा स्मर्ट ये टॉली स्पोरियम से होता है तो आप इसको भी याद रखना ये वाला लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि क्योंकि स्मर्ट एंड रस्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो जनरल टॉपिक देखने हैं कौन से कौन से मतलब पेपर में कौन से कौन से क्वेश्चन है तो देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आए रस्ट ऑफ वीट बहुत बार आया है पिक्सिनिया वाला उसके बाद पाउडरी जो मेल्डो पी से बहुत बार आया हुआ है उसके बाद में वाइट रस्ट उसके बाद रस्ट ऑफ पी रस्ट ऑफ ये स्मट स्मर्ट ऑफ जवार देन, रेड रोट ऑफ शुगर केन ये कोलिट्रोट्रिकम फैलकेटम इससे आया हुआ है तो ये सारे डिसीजेस बार बार पूछे गए इनको बस याद रखना मेन मेन डिसीजेस है इनको याद रखना क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं ओके और ये आपको भी पता है क्वेश्चन में कितनी बार वो डिसीजेस पूछे गए हैं इसके बाद नेम ऑफ द डिसीज़ देखो पोटैटो के लिए वार्ड डिसीज ऑफ पोटैटो है ये बहुत बार पूछा गया है उसके बाद ब्लैक स्टेम रस्ट है पिक्सिनिया ग्रामिनिस का बहुत बार पूछा गया है लूट्स मर्ट है यूस्टिलेगो का कितनी बार पूछा गया है हर बार आता है देन टिक्का डिसीज है टिक्का डिसीज टर्कोस्पोरा से तर्कोसपोरासी से होता है वो कितने बार आया है रेड रॉट है शुगर केन का वो आया है वाइफ स्कूट है वो बहुत बार पूछा गया है डाउनी मीडियो पीज है यह बहुत बार पूछा गया है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है अल्बिगो से बहुत बार पूछा गया है यह मेन मेन डिसीजेस है इनको याद रखना है मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है स्मार्टली जाना है आप स्मार्ट बनना भी कैसे बैक्ट्रे के पंद्रह डिसीज पंद्रह पॉजिटिव एजेंट और पंद्रह डिसीज बैक्टेरिया के पंद्रह वायरस की डिसीज जो मेन है जो बार बार पूछे जाते हैं पंद्रह तो नहीं होते दस ही होते जनरली बट तो मैं फिर भी पांच एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि कभी भी काम आ जाए तो पंद्रह बैक्टीरिया पंद्रह वायरस उसके बाद दस फंगस की डिसीज दस प्रोटोजो की डिसीज और बचे हुए जैसे प्रायोन्स में मैड मैडकाउ है या प्रायस की डिसीज ओके तो ये वाला तो ये चार रेजेंट बैक्टीरिया पंद्रह वायरस पंद्रह फंजाय एंड प्रोटोजोर ये दस दस तो पंद्रह पंद्रह तीस और ये पचास हो गए और प्रायंस के तीन डिसीजें दो या तीन है मैडकाउ डिसीज एंड क्रिस्टिजो जो डिसीज है तो ये तीन चार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्टी डिसीजेज है अब आप में बताओ कि अगर ये फिफ्टी डिसीज आप करते हो ना फिफ्टी तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका कभी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप ये 50 55 को देखना कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है आपको इसी 50 में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा हर बार सेम सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आते सेम सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म बार बार पूछ जाते तो 50 डिसीज की लिस्ट बना लो और अपने टेबल के आगे चिपका लो क्योंकि इंफॉर्मेटिव टॉपिक अच्छे इसलिए होते हैं कि ये अगर इंफॉर्मेशन पता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता और क्वेश्चन मैच द पेयर के आते क्वेश्चन सिंपल आते तो एक या दो पेयर पता हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है तो इसीलिए हमेशा याद रखना ऐसे टॉपिक हमेशा करने जो इन्फॉर्मेटिव हो जो कि इंफॉर्मेशन की वजह से सॉल्व हो क्योंकि इसमें नेगेटिव होने के चांसेस जीरो होते कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और दूसरा आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो मैंने अभी पढ़ा हुआ है इसमें कुछ पढ़ने इसमें कोई गलती होने की चांस ही नहीं है ओके? तो आज ही याद करना क्योंकि देखो आप कोई भी एग्जाम उठा लो क्योंकि जिसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव पूछा गया है ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पूछे अगर आप पांच या दस क्वेश्चन को भी लेके चलो पैरासाइटोलॉजी के तो आपके ये दस क्वेश्चन अपने हैं ये कभी हमारे हाथ से नहीं छूटने चाहिए क्योंकि ये मेरे क्योंकि मैं अगर करके रुकूंगा ना तो लाइफ टाइम तक आपको कभी भी कोई भी एग्जाम तो आपको ये हमेशा काम आएंगे एंड जनरल नॉलेज है इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम रट रहे हैं यह तो जनरल नॉलेज है कोई भी डिसीज किस ऑर्गेनिज्म से होता है वो जनरल नॉलेज है यह तो हम ट्वेल्थ से कर रहे हैं इलेवन ट्वेल्थ में भी हमने कितनी चीजें की तो इसीलिए जितना करोगे उतना अच्छा है और ये टॉपिक तो स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक पे सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको इंफॉर्मेशन पता है उसको सारे मार्क्स मिलेंगे जिसको नहीं पता है वो रोता है बाहर आके कि यार मैंने ये किया होता तो मुझे आज ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता मुझे याद ही नहीं रहा कितने लोग कितने स्टूडेंट मैंने देखे कि बाहर आने के बाद बोलते कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ कितना सिंपल था ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ कितना सिंपल था बस थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होती है तो क्वेश्चन हो जाते और लॉजिकल होते पूरी भी इंफॉर्मेशन मैं तो पचास बहुत ज्यादा नाम बता रहा हूं आप पचास नहीं पच्चीस ही याद रखो तीस याद रखो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि पचास जिसके होंगे उसको सब कुछ आ जाएगा तीस होंगे उसको लॉजिकली क्वेश्चन निकल जाएगा कि इसका आंसर क्या है इलिमिनेशन मेथड से ओके okay? तो देखो जो भी फंगस की डिसीज है इसमें कैंडिडिया बोलते हैं से होता है कैंडिडा ट्रॉपिकल से होता है एस्परजिलोसिस हम बोलते हैं जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है क्रिप्टोकोकोसिस हम देखते हैं जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की वजह से होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस हम देखते हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से होता है ब्लास्टोमाइकोसिस हम देखते हैं ब्लास्टोमाइसिस डरमेटेटिटिस से होता है जाइगोमाइकोसिस बोलते हैं ऑर्डर जो है वो म्यूकरल से जो है वो उसके बिलोंग करते हैं कोकिडियो माइकोसिस कोकिडियोस कोकिडियोडाइट से होता है देन प्यारा कोकिडियो माइकोसिस जो प्यारा कोडियो माइकोसिस वजह से होता है पेनीसिलोसिस एंड पेनीसिलियम की वजह से होता है एंड ये स्पोरोट्राइकोसिस स्पोरोथ्रिक्स की वजह से होता है जियो ट्राइकोसिस जिओ ट्राइकम कैंडीडी अम से होता है ओके तो दीज आर द ऑल दस फंगस कि जो फंगस इंफेक्शन कॉज करते हैं एंड तो yes. so ये समझ में आपको तो so ये हो गए डिसीजेस एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने डिस्कस किए तो ये डिस एंड कॉजिंग ऑर्गेनिजम है अब हम एक मिनट रुकना मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अभी इन क्वेश्चन के जवाब आपको देने ओके

मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए और इन क्वेश्चन के आंसर आप ही दे सकते हो बाकी कोई नहीं दे सकता दे दो चलो आंसर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे क्या आंसर इसका यस हो गया यश देखो क्वेश्चन आपके सामने यह तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया मैंने तो बोला सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा सेट ऑफ बैक्टीरियल डिसीजे दिस बोला है अरे वाह मतलब आपके लेवल का क्वेश्चन है आपके लेवल का जिसको आप ही सॉल्व कर सकते हो अब यहाँ पे पोलियो वायरस का है मम्स का है ये तो नहीं हो सकता देखो डी ऑप्शन दिया अरे वाह यहाँ पे मम्स है और प्लेग लेप्रस एंड डिप्टेरिया और यहां पे मिसल्स 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 नहीं होना चाहिए ना यस सी ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन अरे अरे बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन दिया उन्होंने मिसल्स को देखा ही नहीं सी ऑप्शन करेक्ट है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन विब्रियो कॉलेरी अरे वाह ये तो आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा है विब्रियो कॉलेरी इज मोटाइल बैक्टीरिया विच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ किस इससे बिलोंग करता है विब्रियो कॉलेरी लोफो पेरी मोनो एमपी विब्रियो इस तरह से आता है ना कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं ना इस तरह से यस yes. क्या होते हैं अभी कोई नहीं बता रहा है मतलब सबको आ रहा है सब लोग छुपा रहे मोनोट्राइकस होते हैं मोनोट्राइकस ये मोनोट्राइकस होते हैं मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस so, मुझे पता चल गया आपको नहीं आता है यस yes. तो मैंने बता दिया ऑप्शन सी मोनोट्राइकस है मोनोट्राइकस है मोनोट्राइकस सिंगल शेप होते कैसे कॉज होता है सिफिलिस सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाय सिफिलिस विब्रियो लेप्टोस्पायरा ट्रिपेनोमा पैलेडियम पॉस्टोरे देखो सबने आंसर दिया वेरी गुड वेरी गुड ट्रिपेनोमा पैलेडियम से होता है ट्रिपेनोमा पैलेडियम सिज करता है ये तो सबको पता है और ट्रिपेनोमा गैम्बनीज कौन सा डिसीज कॉज करता है gambenics. नहीं, जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विडाल टेस्ट इज यूज फॉर ससेप्टिबिलिटी ऑफ विडाल टेस्ट किसके लिए यूज होती है विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट विडाल टेस्ट यस विडाल टेस्ट आपको पता है ना यह तो सबको आता होगा विडाल टेस्ट किसको यूज होती है विडाल टेस्ट किसके अगेंस्ट यूज होती है कोलेरा मलेरिया कोलेरा दो बार आए कोलेरा के अगेंस्ट होती है क्या वेरी गुड तो विडाल टेस्ट टाइफॉइड के अगेंस्ट होती है साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैरा टाइफी ए पैरा टाइफी बी टाइफाइड के लिए होती है सबको पता है यस yes. सबको पता है ए ऑप्शन करेक्ट है वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन causes tuberculosis? कौन सा पैथोजन ट्यूबरक्यूलॉसिस कॉज करता है अरे वाह ये तो बहुत सिंपल है ट्यूबरक्यूलॉसिस वायरस कॉज करता है बैक्टीरिया कॉज करता है कौन कॉज करता है ट्यूबर द सबको पता है बैक्टीरिया की वजह से होता है

अच्छा होना कभी कभी अच्छा नहीं होता ये आज मुझे समझ में आया मैं बहुत अच्छा होना इसलिए मैंने पहले ही बता दिया लेकिन अच्छा होना इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि आंसर ही डिस्क्लोज हो गया अब हम क्या ही बताए हा? अब हम कैसे पूछे आपको कि इसका आंसर क्या है हमने ही बताया अब सबको पता चल गया ना ये ट्रिपेनोजोमा तो ट्रिपेनोजोमाजोमा जो गैमीज है तो ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है देखा मैंने एक क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया आपको अरे अरे गलती हो गई नेक्स्ट हाँ आप लोग तो होशियार हो आप तो स्मार्ट हो आपको तो पहले से ही पता था एन इंपॉर्टेंट ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्वीन इन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम तो क्वीन इन कहा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये बार्क ऑफ चिंचोना करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट डी वेरी गुड वेरी गुड बार्क ऑफ दोना विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रिवेंट निमोनिया निमोनिया को प्रिवेंट करना है तो कौन सा वैक्सीन दोगे यस निमोनिया च वैक्सीन इज गिवन टू प्रीवेंट निमोनिया निमोनिया के लिए कौन सा वैक्सीन है ये तो मुझे लगता है ये तो पोलियो के लिए ये तो टीबी के लिए टैब वैक्सीन कौन सा आया है निमोकोकल वैक्सीन ही दिया जाएगा टैब वैक्सीन नहीं है सी ऑप्शन करेक्ट है ये तो वैक्सीन नहीं है तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ वेरी गुड आपने बहुत अच्छे आंसर दिए और आपको समझ में आया टॉपिक बहुत अच्छे से तो आप इस टॉपिक के नोट्स बनाना अपने नोट्स अच्छे से बनाना जो 50 टॉप 50 बैक्टीरिया 50 पैथोजेंस की लिस्ट बनाने को बोला है वो लिस्ट बना देना कल मुझे दिखा देना ओके अगर आप उतना ही करोगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट पैरासाइटोलॉजी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर्स को देख के बनाना लिस्ट ताकि सारे क्वेश्चन सारे ऑर्गेनिज्म उसमें कवर हो जाए ओके सो थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू एंड ऐसे प्रिपरेशन करते रहना क्वेश्चन सॉल्व करते रहना आई ऐप के ऊपर बहुत सारे फ्री सेशंस डाले हुए रैंकर्स के स्ट्रेटजीज डाले हुए आई ऐप के ऊपर सारा कंटेंट डाला हुआ है जो आपके लिए हेल्पफुल है प्राइम वीडियोज है फ्री लेक्चर से, फ्री टेस्ट सीरीज है फ्री डिस्कशंस से, फ्री रैंकर स्ट्रेटजीज है फ्री टॉपिक्स के लेक्चर्स से, तो आप देखिए ओके और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ तो थैंक यू ऑल हैप्पी लर्निंग